ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 19th ऑफ अगस्त के लिए तीन इंटरेस्ट स्टॉक्स को लेके। तो पहले बात तो ये है, यहां पर मैंने एक स्क्रीनशॉट दे दिया है मेरा टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट, ये फ्री है। यहां पर मैं मार्केट ओपन होने से पहले ग्लोबल मार्केट कैसा है, इंडियन मार्केट किस तरह से ओपन होने को जा रहा है उसका लिंक शेयर करता हूं। उसके साथ जब मैं लाइव मिलता हूं मॉर्निंग में, लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूं उसका लिंक शेयर करता हूँ। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना रहे ताकि उसको मैंने बनाया था। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में उसके साथ मेरा जो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है उसका लिंक मिलेगा, तो जाके वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, सारी चीज़ें फ्री है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक बात दोस्तों, ये बाजार इनसाइट चैनल मेरा है और यहाँ पर डेली बेसिस मैं लाइव करता हूँ, लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूँ, और उसके साथ मैं लाइव यहाँ पर एक वीकेंड में एक वीडियो डालता हूँ जो कि पॉजिटिव ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेके, और डेली बेसिस मार्केट खत्म होने के बाद एक वीडियो डालता हूँ नेक्स्ट डे के लिए तीन इंटरेस्ट स्टॉक्स को लेके। तो इतना कुछ यहाँ पर आपको मिलता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दीजिए। चल पड़ते हैं वीडियो के अंदर, और कल के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। कल के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा वो एक मेटल सेक्टर स्टॉक हम लोग का कोल इंडिया के ऊपर रहेगा। तो ये रहा कोल इंडिया का चार्ट, मैं पहले इसको एनालिसिस करूंगा उसके बाद लेवल शेयर करूंगा। पहले बात तो ये, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चैनल ड्रॉ किया, आप देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस किया था, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ था, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आ गए हम लोग, उसके बाद दोबारा ये ऊपर गया वही जगह पर ये रेजिस्टेंस हुआ, उसके बाद दोबारा नीचे आ गए, अब वही जगह पर ये काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लास्ट एरिया था जो रेजिस्टेंस था उस एरिया को अब ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर से ये स्ट्रेंथ जरूर दिखाएगा, तो उसके ऊपर अगर जाके सस्टेन होगा तब हम लोग बाय करेंगे। सस्टेन होना का मतलब क्या है, 222 का लेवल, तो 222 के ऊपर एटलीस्ट 10 मिनट ट्रेड होने दीजिए। देखिए धीरे धीरे 222 के ऊपर वो सस्टेन हो रहा है कि नहीं, अगर होता है 10 मिनट उसके ऊपर ट्रेड होता है तब हम लोग इसको इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। कैश का लेवल मैंने दे दिया है, सेलिंग लेवल मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले दो स्क्रीनशॉट यहां पर आएगा, देख लीजिए। पहला वाला जो है ऑप्शन प्रीमियम सपोर्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, जहां पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन के ऊपर मैं व्यू देता हूं वहां पर लाइव मार्केट में, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूं कहां पर लेना है कहां पर छोड़ना है। बहुत प्रॉफिटेबल है, आज भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर है, मेंबर्स है उसके अंदर, तो अगर आपको चाहे और उसके अंदर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए ऑप्शंस के ऊपर काम करना इंट्राडे में, तो वहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। 699 पर मंथ का छोटा सा फीस है, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, मेंबरशिप ले सकते हैं। और एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया, आप देखिए अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में काम करते हैं, ये इक्विटी स्टॉक्स प्रीमियम सपोर्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, यहाँ पर इक्विटी स्टॉक्स इंट्राडे के ऊपर मैं व्यू देता हूँ डेली बेसिस, एक से दो अलग से स्टॉक मिलता है जो भी यहाँ पर मैं देता हूँ उसके उससे अलग, तो वहां पर भी बहुत सारे मेंबर से हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, कहां पर लेना है कहां पर छोड़ना है सारी चीजें मिलता है, और लाइव मार्केट में गाइडेंस मिलता है। तो इसके अंदर अगर आपको जोड़ना है 599 छोटा सा फीस है, तो ऑप्शंस के ऊपर 699 और इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर 599, जो भी आपको सही लगे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए। चल पड़ते हैं अब इसका सेलिंग लेवल देख लेते हैं। इसका जो सपोर्ट एरिया था यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद ये डॉटेड लाइन के ऊपर गया था और यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया बनाया था इस एरिया के नीचे अगर अब आएगा तो ये वीकनेस जरूर दिखाएगा, यानी कि ये जो एरिया थे 220, तो 220 के नीचे अगर 10 मिनट ट्रेड होगा कोल इंडिया, 220 के नीचे 10 मिनट ट्रेड होगा सस्टेन होगा तभी शॉर्ट सेल करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही कैश का लेवल बाइंग और सेलिंग मैंने दे दिया, अपने प्रीवियस कैपिटेट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। एक बात यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, इस चैनल के अंदर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाते, मैं चार्ट खोल के डिटेल एनालिसिस करता हूं जैसे अभी किया, उसके बाद मैं व्यू शेयर करता हूं। सो दिस वीडियो प्योरली फॉर एजुकेशनल के स्टडी पर्पस। सेकंड व्यू में जाएंगे, लेकिन उसके पहले कल मैंने जो वीडियो डाला था तीन स्टॉक बताया था उसमें, तो उसको रिव्यू कर देते हैं। तो पहला वाला जो स्टॉक कल मैंने बता के गया था वो था BPCL। BPCL के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था ये रेंज बाउंड हुआ है, जो भी रेंज काटेगा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ तो बाई और सेल करेंगे। तो 350 का रेंज यहां पर ब्रेकआउट हुआ था हम लोगों का, 350 के नीचे से सेल था, अब देख सकते हैं 350 के नीचे ये सस्टेन हुआ था, उसके बाद ये 346 तक गया था, 345 तक गया था, ह्यूज प्रॉफिट दिया, टारगेट हिट हुआ हम लोगों का। तो ये था फास्ट जो BPCL के अंदर टारगेट हिट हुआ। सेकंड था टाटा केमिकल, टाटा केमिकल के अंदर हम लोगों का ये क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहां पर ये ओपन हुआ और हम
लोगों का लेवल जो था यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्टिवेशन हो गया था 1105 के आसपास, 1105 के आसपास। उसके बाद ये जो लो लगाया 1096 का, तो ये भी टारगेट के आसपास आया था, प्रॉफिट देके गया। उसके बाद दोबारा ऊपर गया, लेकिन हम लोगों का फास्ट टारगेट के आसपास डिसेंट प्रॉफिट देके गया, 10 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट देके गया था, ठीक है। और थर्ड जो था हम लोगों का लूपिन के अंदर था, लूपिन के अंदर हम लोगों का कोई भी यहाँ पर अपने देखा हमने मॉर्निंग में ये सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था 684 के नीचे, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर आप देखिए 684 के नीचे ये क्लोजिंग दिया था। उसके बाद 5 मिनट्स इसके नीचे चला गया और ये 678 तक गया था। तो अगर आपने ये एकदम पहले वाला हुआ था, एकदम 5-10 मिनट पहले मार्केट में, तो अगर आपने ट्रेड किया है तो इसके अंदर टारगेट हिट हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसा है कि ये एकदम 9:20-25 मिनट के अंदर इसका काम हो गया था, जो बिगिनर उन लोगों के लिए ये एक्टिवेशन नहीं हुआ था। फिर भी अगर आपने किया है तो प्रॉफिट ही मिला है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस कर दिया, कल का वीडियो को रिव्यू कर दिया। अगर आपको मैच करवाना है जा सकते हैं मेरे वीडियोस के अंदर, चैनल के वीडियोस के अंदर, वहां पर जाके आपको मिलेगा 18 अगस्त, यानी कि आज के लिए 3 स्टॉक जो मैंने कल दिया था, उसके जाके मैच कीजिए पॉइंट वाइज, जैसे जैसे मैंने रिव्यू किया उसके साथ मैच करवा लीजिए। कोई छुपाने वाला बात नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और ऐसे व्यू डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए बाजार इनसाइट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए। चल पड़ते हैं सेकंड व्यू में, कल के लिए जो सेकंड व्यू रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। कल के लिए जो सेकंड व्यू रहेगा वो रहेगा टेक महिंद्रा के ऊपर, आईटी सेक्टर स्टॉक है ये, पूरा साइडवेज होके बैठा हुआ है। कल थोड़ा बहुत ऊपर भागा था, उसके बाद से ये पूरा साइडवेज हो गया है। पूरा चैनल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, आप देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया, अब ये इस चैनल के अंदर काम हो रहा है। तो ये एरिया अगर ब्रेकआउट सा होगा, इसके ऊपर जाके सस्टेन होगा, तो जरूर ऊपर भागेगा 1107 के ऊपर। तो 1107 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, 10 मिनट ट्रेड होने दीजिए 1107 के ऊपर, तब हम लोग उसके ऊपर से उसको बाय कर सकते हैं। 10 मिनट ट्रेड होने से, काटने से ही बाय नहीं करेंगे 1107 के ऊपर, 10 मिनट ट्रेड होने से, सस्टेन होने से बाय करेंगे। और इसका सपोर्ट एरिया आप देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो आपके सामने सपोर्ट एरिया तो क्लियर है। आप देख सकते हैं ये 1093 के नीचे, तो 1093 के उसको ब्रेक करके 1093 के नीचे अगर 10 मिनट ट्रेड होगा उसके इस लेवल पे, अगर 10 मिनट ट्रेड होगा तभी सस्टेन होगा, तभी हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। तो जो भी है दोनों ही लेवल कैश का मैंने दे दिया, आपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए। थर्ड एंड फाइनल भी मैं जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। मैंने मेरा वेबसाइट लॉन्च कर चुका है और मेरा ऐप जो है वो प्रोसेस में है। मेरा वेबसाइट है www.sandeepanchakrabarty.in, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और ये रहा मेरा वेबसाइट, वहाँ पर आपको कोर्सेस मिलेगा, कंप्लीट कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट, तो यहां पर आपको कोर्सेज मिलेगा। और स्टॉक मार्केट कोर्सेज के ऊपर क्लिक करने से मैं 2 कोर्स अभी लॉन्च कर चुके, उसके साथ बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी आएगा, बाद में आएगा, अभी 2 कोर्स ऑलरेडी आ चुका है। एक इंट्राडे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा यहां पर व्हाट यू लर्न में जाके आप देख सकते हैं। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन मिलेगा, कंप्लीट इंट्राडे स्ट्रेटजी मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिलेगा, उसके साथ 10 गोल्डन रूल मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। प्रैक्टिकल प्रोसेस मैं करके दिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस में, तो ये पूरा रिकॉर्डेड है, आप जाके जब भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसका 899 फीस है, इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। तो ये हिंदी में है, अगर आपको करना है यहां पर जाके डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा वीडियो क्या है इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। और यहां पर पूरा कोर्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा, क्लास बेसिस यहां पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फास्ट कोर्स मैंने दिया था, और सेकंड कोर्स ऑप्शन सीक्रेट ट्रेडर प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है, जिसमें क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट सेटअप मिलेगा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर कैसे ट्रेड करना है ये वीडियो आप जाके देख लेना है, यहां पर मेरे चैनल के अंदर आपको मिलेगी ये वीडियो के अंदर मैंने एलेबोरेट कर दिया है इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, ठीक है। इसका 499 फीस है, तो कंटेंट भी यहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा कोर्सेज का जो है, मेरा वेबसाइट का कोर्सेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और उसके साथ मैं और एक चीज लॉन्च किया हूं, स्टॉक गोल्ड मेंबरशिप, स्टॉक्स का जो गोल्ड मेंबरशिप मैंने लॉन्च किया, बहुत नया सा चीज है। यहां पर आपको एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेगा एवरी वीक, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल मिलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस एवरी वीक एक वीडियो मिलेगा, उसमें सारी चीजें मिलेगा। वीकली आपको 7-10 ऐसा स्टॉक मिलेगा, ब्रेकआउट स्टॉक मिलेगा एंट्री स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ, और इंपॉर्टेंट वीकली लेवल मिलेगा। तो अगर आपको एनहांस करना है अपना प्रॉफिट, इसके अंदर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसका मंथली फीस यहां पर दिया हुआ है, अगर आप मंथली देते हैं 17% डिस्काउंट रेट पे ये 995 चल रहा है, ईयरली अगर आप करते हैं 25% डिस्काउंट रेट पे ये प्राइस ये चल रहा है 8999। जो भी है, आप मेरा वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया हूं, वहां पर जा सकते हैं आप, जाके पूरा चीजें एक बार देख सकते हैं। और इस हफ्ते के अंदर मेरा जो प्ले स्टोर का जो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, वो भी आ जाएगा, उसके अंदर भी ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी वेबसाइट के अंदर है, आप जा सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया हूँ। चल पड़ते हैं अब हम लोगों का थर्ड व्यू में, लेकिन उसके पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों,
यहाँ पर बहुत मेहनत करके डेली बेसिस आप लोगों को वीडियो डालता हूँ, तो उसके लिए तो बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए यहाँ पर लाइक करके इस वीडियो को। मैंने इस वीडियो का लाइक टारगेट 130 रखा है, तो अगर आप अचीव कर देंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, अचीव कर दीजिए उसको। और उसके साथ कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कैसा लगता है ये प्रोग्राम आपको, और उसके साथ आप देख सकते हैं वहाँ पर मतलब अब कैसा लगता है, कोई भी सजेशन देना है, कुछ भी करना है आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। उसके साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। चल पड़ते हम अब हम लोग थर्ड व्यू में, फाइनल व्यू में। कल के लिए जो थर्ड एंड फाइनल व्यू रहेगा वो टाइटन के ऊपर रहेगा, टाइटन कंपनी के ऊपर रहेगा। इसके अंदर मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है, उसके अंदर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ था, यहाँ पर उसके बाद रेजिस्टेंस वही जगह पर भी काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा तो सस्टेन होंगे से हम लोग इसको जरूर बाय करेंगे वहाँ 2490 के ऊपर से। तो 2490 के ऊपर जाके सस्टेन होना चाहिए, ये एरिया के ऊपर जाके सस्टेन एटलीस्ट 10 मिनट इस लेवल के ऊपर ट्रेड होना चाहिए, तभी हम लोग उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसका सपोर्ट एरिया जो था, ये एरिया सपोर्ट हुआ था, तो सपोर्ट एरिया के नीचे यानी कि 2468 के नीचे जाएगा अब, और उसके नीचे 10 मिनट ट्रेड होगा, सस्टेन होगा, तब हम लोग उसके शॉर्ट सेल कर सकते हैं। दोनों ही कैश का लेवल, यहाँ पर मैंने सेलिंग लेवल, यहाँ पर मैंने बाइंग लेवल दे दिया है, जो भी पहले एक्टिवेशन है उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए और अपने अपने रिस्क एडवेटेज के हिसाब से काम कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एंड स्क्रीन में देखिए मेरा जो ब्रेकआउट स्टॉक को लेके मैंने जो वीडियो डाला था उसका लिंक मैंने दे दिया है, उसके साथ मेरा जो स्विंग ट्रेड का जो पूरा ब्रेकआउट स्टॉक का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको भी मैंने जोड़ दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, उसको जाके देख लेना, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।